हेलो गाइस, मैं हूं मोनू और दोस्तों आज हम एक सोयाबीन फैक्ट्री की जर्नी करने वाले हैं। देखेंगे कि सोयाबीन तेल को निकालने के लिए किन किन मशीन्स का यूज होता है और उस तेल को रखने के लिए कितने बड़े बड़े टैंक्स की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों तैयार। सो गाइस, ये है फैक्ट्री का मेन गेट और आप जैसा कि देख रहे हैं कि सामने एक बहुत बड़ा ह्यूस्टन टैंक है। ये दोस्तों टैंक है जिसमें सोयाबीन को डाल के मिक्स किया जाता है और इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं तो उसमें सोयाबीन को पीस दिया जाता है। और दोस्तों अंडरग्राउंड एक सप्लाई है जो इस टैंक में, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर भी बड़े बड़े दो टैंक हैं, इस टैंक में अंडरग्राउंड पाइप से होते हुए तेल आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टैंक हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। और ये जो बड़ा वाला टैंक दिख रहा है इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो सोयाबीन्स को बहुत ही ज्यादा मात्रा में, टनों की मात्रा में डाल दिया जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों कि सोयाबीन को तेल में कन्वर्ट करने के लिए कितने बड़े बड़े ह्यूज टैंक्स की जरूरत होती है। ओके, बाय, थैंक यू।